नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर हम कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पंजाब में अब कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेताओं ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहले अभी तक देखने को मिलता रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साध रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर को घेर रहे थे, इससे तो ये साफ पता चल रहा था कि पंजाब के अंदर सिद्धू जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कांग्रेस के एक नेता और हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और दरअसल वो नेता है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह। प्रगट सिंह ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और दरअसल उन्होंने कहा है कि 2017 में कैप्टन बहुमत सरकार से आई थी, कैप्टन की सरकार बहुमत से बनी थी, लेकिन जो कुछ मामले थे उन पर सरकार ढिलाई बरत रही, तो ऐसे में सरकार को ढिलाई नहीं बरतना चाहिए और उस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में इस चुनाव से पहले कांग्रेस के ये नेता जिस तरह से सिद्धू के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सिद्धू के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में स्थिति अब बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो पंजाब के अंदर जिस तरह से कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, यही अंतर कलह कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब जाए। दरअसल जिस तरह से पंजाब में अंदर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कैप्टन के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी यही स्थिति है। सचिन पायलट और उनके समर्थक अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा है। तो पंजाब में भी वही स्थिति है, पंजाब में भी कांग्रेस दो भागों में बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जिस तरह से पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बवाल शुरू हुआ है, नेताओं के बीच जिस तरह से यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं, मनमुटाव शुरू हो गया है, कहीं ऐसा ना हो पंजाब चुनाव कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाए। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में कांग्रेस की स्थितियां अगर सुधरेंगी नहीं और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा प्रगट जैसे जो विधायक हैं वो अगर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलते रहेंगे तो इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी। और आपको बता दूं देश के ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। अगर पंजाब में भी कैप्टन के हाथ से सत्ता चली जाती है तो वहां पर कांग्रेस का दबदबा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में इन दिनों ये देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकला एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। चाहे अगर बात की जाए वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच फूट पड़ गई थी। दिग्विजय और कमलनाथ अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे थे। पंजाब में आ जाते हैं, पंजाब में भी वही स्थिति है। कांग्रेस के विधायक अब कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि जिस तरह से एक तो देश के कम राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जहां पर देखा जाए तो राजस्थान है, इसके अलावा पंजाब ही है। तो ऐसे में अगर जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के लिए ये अंतरकला आने वाले समय में बड़ी मुश्किल बन जाए। और कांग्रेस के लिए अगर ये अंतरकला एक बड़े स्तर पर पहुंच जाती है तो पंजाब का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। पंजाब की स्थितियां कुछ अलग कह रही है। पंजाब में अगर मैं बात करता हूं तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा और बहुत सारे नेता जो हैं वो हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर ये बात जानते हैं कि उन्हें सत्ता कैसे संभालनी है और जो नेता उनके खिलाफ बागी हो रहे हैं उन्हें कैसे मनाना है। अगर बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर जो है वो सिद्धू को इसलिए पंजाब कैबिनेट में जगह नहीं दे रहे क्योंकि अगर सिद्धू को पंजाब कैबिनेट के अंदर जगह दी जाएगी तो जाहिर सी बात है तमाम जो अन्य मंत्री हैं वो भी सवाल खड़ा करेंगे। तो ऐसे में चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज हो जाएंगे। तो कैप्टन अमरिंदर इस वक्त जानते हैं कि पंजाब की स्थिति क्या है, पंजाब में कितने बड़े स्तर पर सियासत हो रही है और किस तरह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खेमे बट रहे हैं इन खेमे को बटने से कैसे रोकना है। तो तमाम तरह से स्थितियों को संभाल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। और हालांकि अगर मैं बात करूं स्थितियों को संभालना उन्हें पहले भी आता है,
जिस तरह से देखने को मिला है कि कैप्टन अमरिंदर राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि राजनीति किस तरह से करनी और जो बाकी नेता हैं उन्हें किस तरह से संभालना। हालांकि अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी आला कमान की, तो कांग्रेस पार्टी आला कमान क्या कोशिशें करती है पंजाब के अंदर, कांग्रेस पार्टी जो बट रही है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं कैप्टन के खिलाफ, ऐसे में क्या कदम उठाती है पार्टी आलाकमान, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ये एक बहुत बड़ा बड़ी स्थिति भी रहेगी, क्योंकि पार्टी आलाकमान को इस वक्त बहुत बड़े बड़े कदम उठाने भी हैं। तो फिलहाल अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने शुरुआत कर दी है, बीजेपी अपनी रणनीतियां बना रही है। और हालांकि बीते कुछ दिनों पहले ये खबरें सामने आई थी कि बीजेपी एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री के लिए खड़ा कर सकती है। पूरी खबर नहीं है, हालांकि मुहर नहीं लगी है, लेकिन खबरें इस तरह की बनी थी। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी ये बात जानती है कि पंजाब में उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं, किसान उससे नाराज हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी भी हल्के हाथ से खेलने की कोशिश कर रही है और वो किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखेगा, इसलिए भी कि कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह है कहीं इसकी वजह से कैप्टन की सरकार ना चली जाए, और इसलिए भी कि किसान जो नाराज हैं मोदी सरकार से, बीजेपी से, क्या बीजेपी किसानों को मना लेगी, ये आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।